हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र सेकेंड टर्मिनल एग्जाम वाला लेकर आ चुके हैं और टोटल ऑब्जेक्टिव के आंसर और साथ में सब्जेक्टिव का भी सलूशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो भी आपका परीक्षा होगा उसका प्रश्न पत्र हम आपको एग्जाम से एक दिन पहले देंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका यही मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या का मास और लॉस इतना है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 1250 मिलेगा आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। वैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रतिशत अशांत है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तीन नंबर है कि कौन शांत है, तो इस ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका एग्जाम तो आज ही होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको एक छोटा सा लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं ना तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर आपके सामने मिल जाएगा और साथ में आपका सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव का भी मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है। बस आपको केवल छापना है, ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है, ठीक है, और सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। या फिर गूगल को ओपन कर लीजिए, मैं आपको सर्च करके बता देता हूं कि कहां आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको सर्च बार में क्या सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है mgbresult.com। यहाँ पर देख सकते हैं mgbresult.com, ठीक है। मैं आप सर्च करता हूँ mgb, ठीक है। आप लोग भी सर्च करना, देख लो mgbresult.com, मैंने सर्च किया, आप लोग भी mgbresult.com लिखकर सर्च करना। जैसे ही मैं mgbresult.com लिखकर सर्च किया तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हुआ। अब इसी में हमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के नीचे मिलेगा जो भी आपका परीक्षा नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th का मैथ है, साइंस क्लास 10th का है, सोशल साइंस क्लास 9th का है, साइंस क्लास 9th का है, और उसका जस्ट नीचे आपको यहाँ पर 5 नंबर में मिलेगा मैथ क्लास 10th ऑब्जेक्टिव आंसर की ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना, पहले देख लीजिएगा कौन क्लास का है, ठीक है। और इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और उसके जस्ट नीचे आपको पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको नीचे आंसर मिलेगा, ठीक है। नीचे देख सकते हैं, नीचे मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ठीक है, और ये 9 नंबर है। सब मैंने सॉल्व कर दिया, बस आप लोगों को केवल छापना है, जाइए और छापिए और अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है।